नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खतियान क्या होता है, इसकी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। और जानकारी प्राप्त करने से पहले, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे जो खतियान का प्रकार है वो है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खतियान। तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खतियान को चलिए समझते हैं कि क्या है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खतियान। तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खतियान जो है उस खतियान के अंतर्गत जो भी ज़मीन है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है और इस ज़मीन को राज्य सरकार जब भी चाहे अपने एक सूचना मात्र के माध्यम से ही उस ज़मीन को अपने दखल में लेकर उस पर अपने राज्य का कार्य वो कर सकती है। तो इस तरह से जो है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खतियान पर जो अधिकार होता है वो राज्य सरकार का होता है, इसमें केंद्र की कोई मतलब अधिकार नहीं होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खतियान क्या है उस चीज़ को भी आप समझ गए होंगे और ये दूसरा खतियान का प्रकार है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा वीडियो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।